अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर फॉर ICS पार्ट वन एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड वी विल डिस्कस सम डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? अ नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है रूल्स का एक सेट होता है फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। एक कंप्यूटर एक नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स के दरमियान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए जो रूल्स का एक सेट बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। मतलब ये कि एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकती विदाउट अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बगैर कोई भी डिवाइस काम नहीं करती। टाइप्स ऑफ लैन प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे कुछ टाइप्स दी हुई हैं लैन प्रोटोकॉल्स वगैरह की, वो देख लेते हैं। Different LAN protocols are as follows. ये चंद कुछ LAN होता है local area network. नंबर वन हमारे पास है Ethernet. What is Ethernet? Ethernet is the most commonly used LAN protocol. ये एक LAN protocol के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत ही commonly use करते हैं। इज द मोस्ट कॉमनली यूज, मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इस प्रोटोकॉल को। इट यूजेस अ हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। ये अपने अंदर एक हाई स्पीड नेटवर्क केबल यूज करता है और बस टोपोलॉजी को यूज करता है अपने अंदर। इट इज़ इनएक्सपेंसिव, ये बहुत ही सस्ता होता है, मतलब कि महंगा नहीं होता, एक्सपेंसिव नहीं होता। एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज, और हम इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल कंप्यूटर्स इन ईथरनेट, ईथरनेट के अंदर तमाम कंप्यूटर्स यूज सम केबल, सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। मतलब तमाम कंप्यूटर्स के अंदर ईथरनेट क्या करता है? डेटा को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है सेम केबल के थ्रू। ठीक है, दे मस्ट फॉलो सेम रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन के लिए तमाम, मतलब जितने भी रूल्स हैं सेम रूल्स फॉलो करते हैं। इट इफ टू और मोर कंप्यूटर्स ट्रांसमिट द डाटा एट सेम टाइम, अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स सेम टाइम, मतलब एक ही वक्त पर डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, द मैसेजेस कैन बी लॉस्ट। तो मैसेजेस जो होते हैं वो मतलब कि वो लॉस्ट हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं आप, या फिर डिलीट हो जाते हैं। अ कंप्यूटर चेक्स इफ द केबल इज इन यूज बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा। द कंप्यूटर वेट्स इफ द केबल इज बीइंग यूज्ड। कंप्यूटर उस वक्त तक थोड़ा वेट करता है, थोड़ा इंतज़ार करता है अगर जो केबल है हमारी वो जहाँ भी यूज़ हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। इट स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग द डेटा व्हेन द केबल इज़ फ्री। जब कभी भी केबल फ्री होगी तो डेटा ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ आल्सो कॉल्ड CSMA और CS। CSMA होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। CS मीन्स कोलिजन डिटेक्शन, नॉट कंप्यूटर साइंस। ओके, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? CSMA मींस कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी है इसकी वो है टोकन रिंग। व्हाट इज टोकन रिंग? अ टोकन रिंग इज आल्सो अ लैन टेक्नोलॉजी। ये जो टोकन रिंग है ये भी एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। इट आल्सो इट
It also allows network devices to access the network by passing a special signal called token. ये टोकन की आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। ज़्यादातर टोकन की तकरीबन बीएस के अंदर भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं टोकन के मुताबिक, मतलब टोकन के रिलेटेड, व्हाट इज़ टोकन, जस्ट गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इट, ठीक है। तो ये भी आपने याद करनी है, टोकन इज़ लाइक अ टिकट। टोकन एक टिकट की तरह का होता है। अ डिवाइस कैन ट्रांसमिट द डेटा ओवर द नेटवर्क। एक डिवाइस डेटा ट्रांसमिट कर सकती है सिर्फ एक नेटवर्क के ऊपर इफ़ इट हैज़ अ टोकन। अगर ये टोकन रखती है तो डेटा ट्रांसमिट करेगी, अदरवाइज नहीं। ओनली वन टोकन इज अवेलेबल इन वन नेटवर्क। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहा है कि एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टोकन ही अवेलेबल होता है। दैट्स वाई नो कुलियन कैन अकर। यही वजह है कि कुलियन पैदा नहीं होती। बट द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज स्लो। लेकिन जो डेटा ट्रांसमिट करने का जो शरह होती है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही कम होती है। व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड अ मैसेज, जब कभी भी कंप्यूटर मैसेज को सेंड करना चाहता है तो ये क्या करता है, इट गेट्स अ टोकन, टोकन लेता है, ठीक है, हासिल करता है। इट पुट्स द डेटा इन द टोकन, ये डेटा टोकन के अंदर डेटा पुट करता है। एंड एड्स एड्रेस ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर्स। अच्छा, ये तीन चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। जब भी आपका कंप्यूटर जो है वो डेटा सेंड करने करेगा तो ये तीन चीज़ें उस वक्त, ये तीन काम होंगे। टोकन रिंग इज बेस्ड ऑन रिंग टोपोलॉजी बट ऑल्सो बी यूज इन स्टार टोपोलॉजी। अच्छा, टोकन रिंग जो है ये रिंग टोपोलॉजी पे बेस करती है, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी यूज इन स्टार टोपोलॉजी। लेकिन ये स्टार टोपोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल होती है। द टोकन पासिस फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अच्छा, टोकन क्या करता है, हर कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से को पास करता है। अच्छा, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। द कंप्यूटर हुज एड्रेस मैचेस विद द एड्रेस स्टोर्ड इन द टोकन गेट्स अ डेटा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर एक कंप्यूटर का जो टोकन है, ठीक है, एक टोकन के अंदर जो डेटा स्टोर किया हुआ है, अगर वो उसका एड्रेस उस कंप्यूटर के अंदर मतलब मैच हो जाता है, ठीक है, इट विल गेट द डेटा, तो ये डेटा हासिल कर लेगा, अदरवाइज वो दूसरे कंप्यूटर को में चला जाएगा, सबको चेक करेगा, जो जिसका एड्रेस उस कंप्यूटर से मिलता होगा उसके अंदर वो डेटा, वो वाला कंप्यूटर जो है वो डेटा हासिल कर लेगा। इट देन रिटर्न्स द मैसेज टू द सेंडिंग कंप्यूटर टू इंडिकेट दैट द डेटा हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है। अच्छा, थर्ड टाइप हमारे पास जो है वो है ARNET। ARCNET stands for Attached Resource Computer Network, ठीक है, ये चीज़ MCQs में पूछी जाती होती है। What stands for ACR, ARCNET, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, Attached Resource Computer Network। It is a LAN protocol, ये एक लैन प्रोटोकॉल है, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1977, इसको 1977 ईस्वी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इट यूजेस ट्विस्टेड पेपर पेयर कॉक्सियल केबल। ये ट्विस्टेड पेपर इस्तेमाल करता है और उसके बाद ये जो केबल है कॉक्सियल केबल ये इस्तेमाल करता है। एंड फाइबर ऑप्टिक मीडिया, तो ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, जो मीडियाज होते हैं, वो उनको इस्तेमाल करता है। ARCNET यूजेस स्टार बस और कम्बिनेशन ऑफ दीज टोपोलॉजीज। ये जो ARCNET है ये क्या करता है, स्टार टोपोलॉजी यूज़ करता है और या फिर बस टोपोलॉजी को, या फिर दोनों को कंबाइन करके टोपोलॉजीज को यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है।
The original ARC net protocol was very slow. मतलब कि जो ओरिजिनल ARC नेट था, प्रोटोकॉल था, वो बहुत ही स्लो था. इट सपोर्टेड ट्रांसमिशन रेट्स ऑफ 2.5 एमबी पर सेकेंड. तो ये जो ट्रांसमिशन रेट कितने एमबी पर सेकेंड, 2.5 एमबी पर सेकेंड जो ट्रांसमिशन रेट था, ट्रांसमिट डेटा ट्रांसमिट करने का जो इशारा थी उसको सपोर्ट करता था. इट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ये उस वक्त मतलब कि काफ़ी फेमस हुआ व्हेन बिकॉज इट वाज इनएक्सपेंसिव एंड रिलायबल. ये काफ़ी रिलायबल था, ठीक है, और महंगा नहीं था इतना. इट इज़ आल्सो इजी टू सेटअप. इसको आप काफ़ी आसानी से सेटअप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं एंड मतलब मैनेज करते हैं एंड एक्सपेंड, और इसको एक्सपेंड किया जा सकता है. फर्स्ट ARC नेट इंक्रीज द ट्रांसमिशन रेट ऑफ टू 100 MB मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है.